हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो आपकी एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये तरीका ऐसा है जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। और अगर आपको ये तरीका पता है तो ये बिल्कुल आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करने वाला है और साथ ही साथ आपका स्कोर भी बढ़ाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक मोटा सा रजिस्टर लेना है, जैसे कि मैंने ले रखा है। आप देख सकते हैं, इससे भी मोटा रजिस्टर है, लेकिन वो मैंने बात के लिए रखा है। अगर ये भर गया तो, वैसे उम्मीद है कि शायद ना भरे, पर भर गया तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब रजिस्टर लेकर क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। रजिस्टर लेके क्या करना है, जब भी हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि हम चाहे पढ़ाई करें चाहे ना करें, डेली हमें एक मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करना है अध्ययन मंत्रा से, क्योंकि वो बेस्ट है। हाँ, आप टीचिंग वाला से भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट, लेकिन अध्ययन मंत्रा मुझे अभी बेस्ट लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको हमें नोट डाउन करना है। लेकिन नोट डाउन का मतलब नहीं है कि बस कि एक पेज पर ही हमने लिख लिया, नहीं। हमें इस मोटे रजिस्टर का फ़ायदा क्या है कि हमें इसे डिवाइड करना है। बेसिकली फ्रेंड्स, हमें डिवाइड कैसे करना है, आप देख सकते हैं मैंने अपना पहला जो पार्ट है वो इंग्लिश का बना रखा है। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट लगते हैं मैं वो यहाँ पर नोट कर लेती हूँ। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जैसे कि कंप्यूटर। अब जितने भी क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट लगते हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, या मुझे लगता है ये मेरे से सॉल्व नहीं हुआ एक बार में, या चांसेस हैं कि मैं इन एमसीक्यूज को भूल सकती हूँ। इसी तरीके से मैंने इस मोटे रजिस्टर में ईवीएस का पार्ट भी डिवाइड कर रखा है। जो पार्ट मुझे डिफिकल्ट लगता है वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ, जो मुझे लगता है भूल सकती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है। इस तरीके से सिमिलरली मैं आपको अदर सेक्शंस भी दिखाती हूँ जो मैंने डिवाइड कर रखे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, पैडागॉजी के लिए भी मैंने सेक्शन डिवाइड कर रखा है। जो मुझे चीज़ नहीं लगती, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नया पढ़ा है, इसके चांसेस है भूलने की। और सेम बात है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो मैं इस तरीके से उसके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। मतलब यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर होता है। हाँ, यहाँ पर मैं जो उसके अदर जो ऑप्शंस होते हैं मैं यहाँ पर वो नहीं लिखती हूँ। सिमिलरली फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स मैं पढ़ रही थी थोड़े दिनों के लिए, लेकिन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि छोड़ रखे हैं, मैं लास्ट टाइम पर उसको देखूंगी। सिमिलरली मैंने जो हिंदी है उसके लिए भी मैंने अलग से नोट्स बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, ये पेज ना मोड़ लेती हूँ, ताकि ना मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। मैं जब ऐसे करती हूँ ना, बुक को तो जल्दी से निकल आता है। सिमिलरली मैंने रीजनिंग और मैथ्स का भी इसी रजिस्टर में बना रखा है। जो क्वेश्चन मुझे लगता है डिफिकल्ट है, एक बार में सॉल्व नहीं हुआ, अलग टाइप का है, पूछा जा सकता है, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इस मोटे रजिस्टर का ये फायदा है। अब फ्रेंड्स, देखिए, लास्ट टाइम पे सारे नोट्स रिवाइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो काम क्या आएगा, ये वाला रजिस्टर। जी हाँ, तो हम मैं क्या करने वाली हूँ लास्ट टाइम पे, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, साथ ही साथ इसमें हमने कुछ नया पढ़ा, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे इसके अंदर जो मैंने पहली बार पढ़े। तो ये क्या होगा, जब मैं लास्ट टाइम मैंने पढ़ के जाऊँगी ना पेपर में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से मुझे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और जो बच्चा ये काम नहीं कर रहा, शायद वो मेरे से कम स्कोर कर पाए। फ्रेंड्स देखिए, मतलब हमें ना अपनी स्ट्रैटेजी चेंज रखनी है ओल्ड लोगों से। ओल्ड लोगों की तरह वर्क करते रहेंगे तो शायद हमारा सिलेक्शन ना हो। अगर आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करके देखिएगा, और यकीन मानिएगा ये आपकी हेल्प करने वाला है। और हाँ, रजिस्टर मोटा लीजिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि जल्दी से पेजेस भर जाएंगे, फिर आप दोबारा से एक रजिस्टर बनाएंगे और बहुत ज़्यादा ना मतलब पजल्ड हो जाता है फिर लास्ट टाइम पे कि कितनी ये वाली नोटबुक भी पढ़नी है, वो वाली नोटबुक भी पढ़नी है। अलग अलग नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक मोटा सा रजिस्टर बनाए, उसके पार्ट में डिवाइड कर लें, और जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं उनको इसी तरीके से नोट डाउन करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।